हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड स्टेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी, चाहे वो यूजी के हो या पीजी के, स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी स्टेट के रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो गए हैं एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिजल्ट, इन सब का वेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयुष कोर्स की, यूजी कोर्सेज के। आयुष के यूजी मींस बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड यूनानी कोर्सेज की। सो फ्रेंड, आयुष की जो एएसीसीसी की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, हम यहाँ पे फ्रेंड्स से पहले वेबसाइट ओपन कर लेंगे, www.gov.in, यहाँ पे हम वेबसाइट ओपन करेंगे। इसका शेड्यूल रिलीज हो चुका है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, आयुष कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल जान लेते हैं, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा। सो फ्रेंड, ये रहा काउंसलिंग का शेड्यूल। टाइम शेड्यूल फॉर EEEC UC काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट्स अकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 29th of Jan 2022 मीन्स परसों से स्टार्ट हो गए हैं एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 3rd Feb है टिल 3 PM एज पर सर्वर टाइम। एंड आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी एंड चॉइस लॉकिंग होगी वो 13th of Jan मतलब कल से स्टार्ट हो गई है, और चॉइस लॉकिंग आपकी 3rd Feb तक रहेगी टिल 11:55 PM एज सर्वर टाइम। 11:55 तक आप चॉइसेस अपनी कर सकते हैं एंड आपका जो चॉइस लॉकिंग का टाइम है वो आपका 3rd Feb को 3 PM टू 11:55 PM ऑन 3rd Feb मतलब 3 बजे से लेके 11:55 3 PM से 11:55 PM तक आप अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट तो वो आपका 4th Feb को है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 5th Feb को आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा आफ्टर रिजल्ट, जब आप अपने रिजल्ट में देखेंगे रैंक या नेम वाइज, तो आपको 7th Feb टू 14th Feb तक उस अलॉटेड कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जाना होगा। एंड फ्रेंड, जैसे ही फर्स्ट राउंड फिनिश होगा उसके बाद 14th को आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिनिश हो जाएगा, फिर आपका 18th Feb से न्यू सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये हम पहले फर्स्ट राउंड का हमने बात कर लिया है कि क्या शेड्यूल रहेगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग, देन आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करने होंगे, रजिस्ट्रेशन के आपके चार्जेस क्या होंगे। सो फ्रेंड, हम ये वेबसाइट पे अगेन वेबसाइट पे ही आ जाते हैं, होम पे। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको 1x1 अपनी वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या होंगे, सिक्योरिटी अमाउंट क्या होगा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने मार्क्स वाले, एंड सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो गई है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फ्रेंड अभी रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे पहले तो फ्रेंड आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है, पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन का EEEC UC.gov.in इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हमारी वेबसाइट है। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस, जब आपका सारा हो जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, तो आपको बताया गया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटेड, नो, यस, ये सारा आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, तो ये आपको वही EEEC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये आपको सारी यहाँ पे एब्रीविएशन दी गई है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएंगी। अब पहले तो फ्रेंड हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया यहाँ पे फ्रेंड ये रहा। सो बेसिक से एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है कि जिसने नीट का एग्जाम दिया हो एंड उसके स्कोर हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज द सेम ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन, जो मतलब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपनी मेल आई डी ऐसे डालिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि आप जो वहाँ पे रजिस्टर्ड कर देंगे वहाँ पे आपका OTP आएगा एंड जो भी नोटिफिकेशन भेजेगा, ये आयुष वाले जो भी नोटिफिकेशन भेजेंगे वो आपके उस मोबाइल नंबर पे एंड आपके उस
जो मेल आईडी आपने मेंशन की है उस मेल आईडी पे आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसेस बता दिया गया है, 5 स्टेप में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड पेमेंट, थर्ड चॉइस फिलिंग एंड उसके बाद आपको सीट अलॉट रिजल्ट एंड देन उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। अब हम यहाँ पे फ्रेंड आपको सारे राउंड के बारे में बताया गया है, राउंड 2, राउंड 3 जो भी आपका मतलब पूरा डन फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड पूरा आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, काफी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे पहले से ही उन्होंने अपने क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या क्वेश्चन कैंडिडेट्स कर सकते हैं एंड उनके क्या आंसर हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट www.gov.in पर विजिट कर सकते हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, व्हेन वी विल द ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर द एकेडमिक ईयर स्टार्टेड। सो फ्रेंड स्टार्ट तो हो ही गया है ना 21-22 का, तो इसमें कुछ वही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं एंड आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हाउ एंड व्हेन डू आई हैव टू मेक द पेमेंट, हम पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, डू आई हैव टू रिपोर्ट टू एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी, यहां पे वही बताया गया, सिंस इट इज एट ऑनलाइन अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। यहाँ पे यू नीड फिल अप द सेम इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द नीट यूजी एग्जामिनेशन, अपलोड द कॉपी ऑफ कैंसल चेक, बैंक पासबुक, बैंक ई स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि कॉपी ऑफ कैंसल चेक आपको सिर्फ यही यहाँ पे अपलोड कर देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। हाउ डू आई गेट द पासवर्ड फॉर लॉग इन, तो फ्रेंड पासवर्ड आप कैसे, पासवर्ड तो आपको इसमें जब आप अपने मेल आई डी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे तो आपको खुद वहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको मेंशन कर देना है, देन आपका वहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप और भी ब्रीफली यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे एंड सिक्योरिटी अमाउंट आपका कितना होगा। सो फ्रेंड ये रहा आपका व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको फी पूरा बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका क्या फी होगा। सो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे, वो आपको रिफंड नहीं होंगे। रेंट 1000 फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा जीए, जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटीज और यहाँ पे UIEEE OBC कैंडिडेट। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज चार्जेस लगेंगे जर्नल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप SC ST PW हैं तो आपके 500 लगेंगे। बट फ्रेंड्स अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस आयुष के लिए 5000 रुपीज है फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे वो हमारी UR हो, EWS हो, OBC हो, ST SC PW, सारी कैंडिडेट्स के लिए। रिफंडेबल सिक्योरिटी फी विल बी रिफंड टू कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज और इफ कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी सीट ड्यूरिंग काउंसलिंग टू द सेम अकाउंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच पेमेंट हैड बीन मेड। तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके नॉन रिफंडेबल हैं एंड जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है नॉन रिफंडेबल। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी अमाउंट किसका क्या रहेगा। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए कर रहे हैं तो आपका, अगर आप जर्नल हैं, EWS हैं, OBC हैं, तो आपका 10,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। SC ST के लिए भी 10,000 सेम रहेगा। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेंड 50,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट होगा, 50,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस 5,000 आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो अगर आप डीम्ड के लिए कर रहे हैं तो आपको टोटल 55,000 पे करना होगा। सो फ्रेंड ये तो हमारी बात हो गई रजिस्ट्रेशन की कि किस तरह से क्या रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी लास्ट ईयर के कट ऑफ की, कि लास्ट ईयर आयुर्वेद, यूनानी एंड होम्योपैथिक का क्या कट ऑफ गया था। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं BAMS के कॉलेजेस की। सो फ्रेंड यहाँ पे हम ये देख लेते हैं टोटल नंबर और इसमें कॉलेजेस भी आपको दिए गए हैं प्रोस्पेक्टस, जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने रिलीज किया है कि टोटल कहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं हमारे आयुर्वेद के, कितने यूनानी आयुर्वेद के, हमारे कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। एंड फ्रेंड गवर्नमेंट एडेड का मीन्स तो आप सबको पता ही होगा, गवर्नमेंट एडेड वो कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट के और आधे प्राइवेट दोनों मिक्स होते हैं एंड उनकी फीस अदर जो प्राइवेट कॉलेज हैं अगर उसकी 6 लाख फी है तो गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज होते हैं इनकी फी प्राइवेट के अकॉर्डिंग कम होती है क्योंकि इनमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को मर्ज करके ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हमारे बने होते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले तो हम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग आयुष
इंस्टीट्यूट। तो आयुर्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल जो आयुर्वेद के फ्रेंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आयुर्वेद के टोटल गवर्नमेंट 57 कॉलेजेस हैं, अदर अदर स्टेट के कॉलेजेस हैं, क्योंकि फ्रेंड ऑल इंडिया कोटा का है तो सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के कॉलेजेस हैं, टोटल गवर्नमेंट 57 कॉलेजेस हैं। एंड जो हमारे गवर्नमेंट एडेड जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं वो हमारे सेमी गवर्नमेंट टोटल 19 कॉलेजेस हैं। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारी आयुर्वेद की टोटल 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे होम्योपैथिक की, जो हमारा BHMS होता है होम्योपैथिक, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस है फ्रेंड, ये भी सभी स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में सभी स्टेट से लिए जाते हैं 15% तो होम्योपैथिक के आपके टोटल गवर्नमेंट 34 हैं यहाँ पे, और सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिट की हम बात करें तो टोटल नंबर आपके 6 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 हैं। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें तो टोटल यहाँ पे 6 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनानी BUMS, तो फ्रेंड BUMS के लिए आपके पास 10th में उर्दू होना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें उर्दू की आपको नीड होती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टोटल हमारी यूनानी के कॉलेजेस हैं वो 9 कॉलेजेस हैं। एंड अगर सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड की हम बात करें तो टोटल 4 कॉलेजेस हैं। एंड सेंट्रल की हमारी एक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी UP की, एंड डीम्ड भी हमारे पास एक ही है। सो फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि डीम्ड की जो कॉलेजेस होते हैं उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं चार्जेस की वजह से, कि चार्जेस उनकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी होती है वो 6 लाख होती है, और अगर आप जानना चाहते हैं पर कॉलेज का कौन से कॉलेज का कितना चार्जेस होगा, तो फ्रेंड आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, आप सर्च कर लेंगे आयुर्वेद का, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ गई, व्यू प्रोफाइल में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये देखिए इसके यहाँ पे चार्जेस, ये NRI की जो फी है, NRI की फी है, अमाउंट फी टू केस कैंडिडेट रिजाइनिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग पीरियड INR, आपको इसमें फ्रेंड पूरा चार्जेस दिया होता है, एनुअल आपका कितना लगेगा, तो फ्रेंड आपके यहाँ पे टोटल जो लगेंगे ये देखिए, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग हॉस्टल फी आपके यहाँ पे 3,77,500 है, और हॉस्टल फी जब आपका ऐड हो जाएगा तो आपको 9,06,500 है। सो डीम्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है फ्रेंड्स, तो अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेंड स्टेट की भी काउंसलिंग ओपन हो गई है, कुछ स्टेट हैं जिनकी आयुष की काउंसलिंग ओपन हो गई है और या नहीं हुई है तो आज और कल मींस 31st and 1st February से स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट हम यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी की जो काउंसलिंग है आयुष की वो कल से स्टार्ट होने वाली है, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यूपी के लिए वो कल से विंडो ओपन हो जाएगा, कल से कर सकते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है जिनकी वन बाय वन करके आयुष के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, एंड जो हमारे बाकी के बचे हैं उनके भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं डीम्ड के थ्रू, आप एक्सपेंसिव लग रहा है आपको थोड़ा पेमेंट ज़्यादा है तो आप स्टेट के थ्रू भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम फ्रेंड लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर रहे थे कॉलेजेस के बाद, तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी वो तो आपको हमने बता ही दिया, अब हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं। सो फ्रेंड जो लास्ट ईयर हमारा BAMS का कट ऑफ गया था, BAMS यानी आयुर्वेद का जो हमारा टोटल कट ऑफ गया था, ओवरऑल कट ऑफ हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओवरऑल गवर्नमेंट गवर्नमेंट पेपर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जर्नल कैटेगरी का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 548 गया था, एंड हमारी ऑल इंडिया कोटा फॉर गवर्नमेंट इसका 528 गया था, एंड सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिट इसका 515 गया था फॉर जर्नल कैटेगरी। EWS का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 539 गया था, OBC के लिए 538, SC कैटेगरी के लिए 414, एंड ST कैटेगरी के लिए 396, एंड जो PH हमारे होते हैं उनके लिए 154 गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सो ये तो फ्रेंड हमारा हो गया BAMS का। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं BHMS का लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सो फ्रेंड हम ओवरऑल कट ऑफ देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो EDUACS की वेबसाइट eduacs.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको MBBS, BDS, मेडिकल, डेंटल एंड आपका आयुष के जितने भी हमारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी सारे कोर्स का कट ऑफ मिल जाएगा लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर आपका सारा कट ऑफ मिल जाएगा विद एनुअल ट्यूशन फी, क्या आपका एनुअल ट्यूशन फी उसमें क्या रहा था वो भी मिल जाएगा।
सो अब हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जर्नल के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 482 कट ऑफ गया था विद वन, आपका ये ऑल इंडिया रैंक है आपका 1,01,622, EWS के लिए हमारा 457 कट ऑफ गया था, OBC के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 468 कट ऑफ गया था एंड SC के लिए 382 एंड ST कैटेगरी के लिए 345। ऐसे ही हम ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की बात करें तो जर्नल के लिए 460 गया था और SC कैटेगरी के लिए 350 गया था, ST कैटेगरी के लिए 321 गया था। और ये हमारा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को मिक्स करके मर्ज करके बनते हैं उसका जर्नल का 462 कट ऑफ गया था एंड SC का 378 एंड ST कैटेगरी का 342 गया था होम्योपैथिक का। अब हम बात कर लेते हैं यूनानी की। यूनानी का जो हमारा लास्ट ईयर ओवरऑल कट ऑफ गया था वो कट ऑफ था हमारा यहाँ पे जर्नल के लिए 544, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट इसका 457 गया था जर्नल के लिए एंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड एंड सेमी गवर्नमेंट इसका 397 गया था जर्नल के लिए। सो फ्रेंड ये तो हमारी कट ऑफ हो गई कि लास्ट ईयर किसका क्या कट ऑफ गया था। सो फ्रेंड जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और वो जो सीट्स अवेलेबल हैं उन सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज, फिर चाहे वो हमारी जर्नल हो, EWS हो, ST, SC, OBC। सो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी गई है, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा UGBMS सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश का हमारा ये इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, OBC के लिए इसमें 2 सीट्स हैं, EWS के लिए 1 सीट है, ओपन के लिए 7 सीट्स हैं। ऐसे ही आप जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं BMS के सबके आप सीट मैट्रिक्स यहाँ पे जाके सीट्स किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो जान सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड यहाँ पे आपको काफ़ी दिए गए, मतलब सारे दिए गए हैं, ये BMS हो गया, नेक्स्ट हमारा BHMS हो गया, BUMS हो गया, सारा यहाँ पे बताया गया है। एंड रजिस्ट्रेशन का तो फ्रेंड आपको हमने बता ही दिया कि आप एक बार देख लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप जाइएगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, ये जो पोर्टल रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन ये पोर्टल जो ओपन होता है ये उनके लिए ओपन होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो कैंडिडेट ने 29th को या कल रजिस्ट्रेशन कर दिया था देन वो अपना चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए होता है कि उन्हें जो रोल नंबर है नीट का वो मेंशन करना, पासवर्ड मेंशन करना एंड यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन या कैप्चा वो मेंशन करना, देन साइन इन एंड आप लॉगिन कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपसे एक डेक्लरेशन मांगेगा, इस डेक्लरेशन को आपको आई एग्री कर देना है, एक सेकंड वेट करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो भी डिटेल है आपकी कुछ फेज में होता है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, ये सारी डिटेल आपको वन बाय वन फिल करनी है। आप यहाँ पे वन बाय वन सारी डिटेल फिल कर दिया कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ऐसे ही आपका डन हो जाएगा। और जब डन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस करना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस करने के बाद आपको आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जब आपका हो जाएगा तब आपको फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट जो आएगा वो आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा एंड देन आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, चॉइस फिलिंग आप स्टार्ट कर दीजिएगा, चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, चॉइस फिलिंग के बाद नीचे आपका प्रिंट का ऑप्शन आता है वो प्रिंट का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड फ्रेंड ये हमने आपको बता दिया आयुष का, और आयुष एडमिशन टू सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, आयुष का ऑल इंडिया डीम्ड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप EDUSIS की सर्विसेज भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड नीट UG PG एंड आयुष मेडिकल डेंटल की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।